Assalamualaikum guys, welcome back to the new vlog. I hope आप लोग सब खैरियत होंगे। तो guys देख सकते हैं यार, आज तुम्हारे भाई ने यार सलवार कमीज पहनी है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है ना। तो यार तुम्हारा भाई फ्रेश फ्रेश भी हो गया है यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, तो फटाफट चलते हैं मार्केट, वहाँ से कुछ सामान वगैरह ले लिया तुम्हारे भाई ने। और ये हमारे हमजा भाई खड़े हुए हैं यार। हमजा भाई क्या हाल है भाई? फुल टोलकी छोलकी निकालिए, जा बाइक लेके आओ ना। हमजा जल्दी बाइक लेके, हम लोग जा रहे हैं भाई मार्केट। मार्केट से हमने कुछ सामान वगैरह लेना है, गोलगप्पे वगैरह लेने और एक दो और चीज़ें लेनी है, तो पैसे भी निकलवाने पड़ेंगे, कैश नहीं है हमारे पास। और अली भाई देखो आज मस्त लग रहे हैं, मस्त फुल सलवार कमीज पहनी है यार तुम्हारे भाई ने, और फुल चिकन पीस रख रहा है, लग रहा हूँ यार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लग रहा हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अबे एक और सीन था यार, आप लोगों से शेयर करना भूल गए, ये बोल रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो हमारे जो कमेंट है ना वो ऑफ हुए हैं, मतलब कि यार आप लोग कमेंट नहीं कर सकते, कोई टेक्निकल इशू आया हुआ है। मैंने यूट्यूब टीम से भी बात की थी, हमारी जो वो है ना कम्युनिटी है, मतलब कि हम वीडियोस अपलोड वगैरह करते हैं, तो उसमें कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे कमेंट्स वगैरह ऑफ हुए हैं, तो इस वजह से यार कमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते आप लोग। तो गाइज लेकिन सपोर्ट आप लोगों ने उसी तरह करना है जिस तरह आप करते हैं। तो बाइक फाइनली हमजा ने निकाल ली है, ये देखें ये बाइक, मैं इसको बोलता हूँ प्राडो। और इस तरह की जो बाइक्स होती हैं ना वो मेरी फेवरेट होती हैं। और आज के जो ड्राइवर हैं हमारे वो हैं हमजा। तो फटाफट से बैठो, ये साइकिल बड़ी टाइट है यार बच्चे की, हंस रहा था। तो भाई यहाँ पे एक और भी सीन है, यहाँ हम लोग आए हैं ना अपनी आंटी के घर पे इस्लामाबाद में, यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे पानी भरना पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे भी पानी का मसला, पानी यहाँ पे नहीं आता भाई। और ये पानी यहाँ से हम लोग ऊपर, ये ऊपर लेके जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है। और ये लोग तो भाई बैठ गए, बाइक पे बैठ गए, मैं भी बैठ जाता हूँ। ये देखो मस्तियाँ चेक कर रहे हो, मुझे छोड़ के चले गए, ये अली की कहाँ है सारे। अबे रुक भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ लिया इनको, पकड़ लिया भाई। चलो भाई बैठ गए, अभी चलते मार्केट। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए गोलगप्पे की शॉप पे, और अंकल से भी गोलगप्पे बनवा रहे हैं। और भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पहले बता, अंकल भाई पैसे नहीं हो तो फिर क्या सीन है? ये बच्चों को काम पे रखूंगा। बच्चे को काम पे कितनी दिहाड़ी दोगे? दिहाड़ी नहीं, पैसे पूरे करके चला जाएगा। पैसे पूरे करके चला जाए, मेरे पास भी नहीं, अल्लाह इसको सिखा देना। इधर तो आ, ओ भाई यहाँ पकड़ने वाले घूम रहे, पकड़ के ले जाएंगे। मैं खुद कंगला हूँ, मैं तो तेरे आसरे पे आया, तूने मुझे। अच्छा तो गाइस मेरा भी परहेज है गोलगप्पों का, और अली का भी परहेज है। तो अंकल एक ऐसा गोलगप्पा बनाना है मिर्ची वाला, फुल मिर्ची वाला, वो हमने इसको खिलाना है। ठीक है, वीआईपी सा गोलगप्पा बना के देना आप। देखे भाई अंकल गोलगप्पे तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये खट्टे कब बनाने हैं, मीठे मिक्स? हमसा खट्टे बनाने, मीठे बनाने या मिक्स बनाने, घर लेके जाने बताओ? मिक्स मिक्स गोलगप्पे बनाने। इसमें मीठा नहीं, इसमें डालें? इसमें मीठा नहीं डालना। तो भाई ये फुल मिर्ची वाला अंकल गोलगप्पा तैयार कर रहे हैं फुल। अंकल ये ऐसा हो के ऊपर खाने वाली बात कर, खाने वाली बात। तो भाई गोलगप्पा तैयार हो गया और इसमें फुल मिर्ची है, तो अभी इसको खिलाते हैं हम लोग अपने हाथ से। मिर्ची तो नहीं थी, मिर्ची नहीं थी, ये निकलेगी रात को। तो गाइस गोलगप्पा हमने इसको खिला दिया, एक्टिंग कर रहा है, मिर्ची थी भाई मुंह पे लगा हुआ है, मुंह तो साफ कर ले। तो भाई गोलगप्पे हमने ले लिए हैं, ये देखें ये, और अभी वो टूट जाएंगे सारे। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो फटाफट से चलते हैं भाई घर। पैसे दे दिए, अबे पैसे तो दिए ही नहीं, सच में नहीं दिए भाई, अंकल को पैसे दे देते। तो गाइस गोलगप्पे लेकर घर आ गए, और सही मस्त करके खाए यार, मैंने तो नहीं खाए क्योंकि तुम्हारे भाई का जो है ना परहेज था, सारे घर वाले ने मिल बांट के खा लिए यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं यार कहीं घूमने फिरने, तुम्हारे भाई ने यार कपड़े भी चेंज कर लिए और रेडी शेडी हो गए हैं, देखते हैं अभी पापा कहाँ लेके चलते हैं। गाइस अभी हम लोग आए हैं फैसल मस्जिद, और वो देखो अली के काम चेक करो, हम लोग पहुंचे हैं नहीं अभी। और ये देखो वो भाई गिर भी सकता है, आ गया आ गया। तो गाइस हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। या ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर अभी ऊपर नहीं जा सकते अभी, क्योंकि हम लोग
कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं इधर, हमारी वो आंटी वगैरह आई हूँ अंदर, वो सामने लाइब्रेरी है ना। इस्लामाबाद के पैसे अभी आपको बता देते हैं, इस्लामाबाद की फैसल मत दीजिए यार। और यहाँ पर आप लोगों को दो मीनार नजर आ रहेगा, अभी ऊपर चलेंगे ना, बहुत ज्यादा शानदार व्यू आप लोगों को भी दिखाएंगे। वो लोग वहाँ पर शॉप में गए हैं यार कुछ लेने उने के लिए, तो इतना तुम्हारे भाई मस्तियाँ कर लेते हैं। गिर जाएगा, मैं इसको मना कर रहा हूँ भाई, मस्तियाँ वगैरह नहीं कर, गिर जाएगा। ये देखो इसके काम चेक करो, ये गया। जब बंदा छोटा होता है ना तो इस तरह की मस्तियाँ करता है, और ये भी अभी मस्त करके मस्तियाँ कर रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे, अभी तो हम नीचे ही खड़े हैं, तो जब ऊपर जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि ऊपर से किस तरह की है मस्जिद। तो गाइस अभी हम लोग भी यहाँ पे फैसल मस्जिद की जो लाइब्रेरी थी ना उसमें आ गए, और यहाँ पे चीज़ें वगैरह देखते हैं। और अली कहाँ है? अली वो वहाँ वहाँ चला गया भाई इधर। तो यहाँ पे भाई की चैन पड़े हुए, ये देखें, और ये फैसल मस्जिद की चैन है, दिखाता हूँ आपको। हम कोई ग़ुलाम हैं, ये आर्मी वाले की चैन है। और यहाँ पे हर किस्म की मतलब के बुक्स वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं जो आपने बुक वगैरह लेनी हो यहाँ पे, कुरान पाक और अहादीस और मतलब पुरानी सूरतें, ये मतलब सारा कुछ इधर ना अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी हैं, और बड़ा सामान पड़ा हुआ है। अली तो बाहर चल गया है। और ये देखें, ये बड़ा ही VIP किस्म का ट्रक लग रहा है। और ये देखें, और ये देखें, आप देख सकते, ये देखें, और ये भाई फैसल मस्जिद के मुजस्मे लकड़ी का बना हुआ है यार, ये फैसल मस्जिद की। और ये भाई खजूरें हैं, और ये शहद वगैरह भी हैं इधर, और खिलौने पड़े हैं, डायमंड नहीं है यार ये। तो भाई अली तो बड़ा खुश हो रहा है चीज़ें देख देख के, लेकिन मैंने इसको दिलानी नहीं है यहाँ से कुछ भी, देखे सिर्फ देख के खुश हो जाए। तो फाइनल गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर से यार आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, कितना ही जबरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। देख सकते हैं यार, ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फैसल मस्जिद है यार, आपको चारों तरफ मीनार नजर आ रहे होंगे। और अभी जो है ना, तुम्हारे भाई को ना ठंड लग रही है यार, जैकेट पहनी है फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये जो टाइलें हैं ना, टाइलें ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तुम्हारे भाई के पैर जम गए। और यहाँ पर ऐसे इंजॉय वगैरह कर रहे हैं, और तब जो वहाँ पर सामने अपना पिक्चर वगैरह खिंचवा रहे हैं, और तुम्हारा भाई यहाँ पर थोड़ी मस्तियाँ वगैरह करता है। और ये देख सकते हैं यार, माशाल्लाह से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और हाँ, और पूरी मस्जिद को आपको विजिट करवाते हैं, देखें वहाँ से यहाँ। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को अली ने बताया कि मस्जिद में आए हुए, हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये बड़ा ही VIP किस्म का व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये देखें मस्तियाँ इसकी यार ख़त्म ही नहीं होती, ये यहाँ पे भी आके ये कोई मस्जिद में डांस कर रहा है, इसको चंबे लगेंगे फिर ये सही हो जाएगा। वैसे भी आप सबको तुम्हारे भाई ने यार मस्जिद दिखाई, मज़ा आ रहा है यार हम लोगों को। और दूसरी बात तो है यार, यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा, तुम्हारा भाई के जो है ना पैर बिल्कुल जम गए, और सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही है यार, जैकेट भी पहनी है फिर भी लग रही है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ यार, देख सकते हैं सामने से रोड है सामने, और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है कितनी अच्छी लग रही है, नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए यार, इंजॉय वगैरह करने के लिए। और तुम्हारा भाई भी इंजॉय वगैरह कर रहा है। और ये अब ये देखें आपसे कितनी बड़ी मस्जिद है, और ताबू भी यहाँ पर अपने खड़े हैं। और ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है। ताबू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ठंड लग रही है यहाँ पर बहुत। हाँ गाइस, ये बात साहबू ने सही की, ठंड बहुत ज़्यादा है यार, पैर चढ़ना। लेकिन इसने तो भाई सॉक्स पहनी, और अनस भाई ने भी सॉक्स पहनी में, लेकिन तुम्हारे भाई के यार ठंडे में पैर जम गए। तो गाइस हम लोगों ने विजिट वगैरह कर लिया मस्जिद का, और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बस सर्दी लग रही है यहाँ पे, थोड़ी सर्दी है। और अली तो भाई नीचे भाग गया है वहाँ, हम लोगों ने यहाँ दिखाता हूँ शूज़ कहाँ पे हम लोगों ने रखे हुए थे, ये देखें नीचे अभी जा रहे हैं। और शूज़ यहाँ पे पैसे दे के शूज़ रखवाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा अंदर चल के आएंगे ना, तो यहाँ पे आपके शूज़ फ्री में भी रखे जा सकते हैं। ये देखें, ये मेरे शूज़ अली ने उठा लिए हैं, इसको मैंने अपना असिस्टेंट भी रखा हुआ है, और इसको मैं 5,000 रुपये सैलरी देता हूँ। चलो असिस्टेंट मेरे, चलो ये 10 रुपये बचाए हैं, 10 रुपये बचाए हैं भाई हम लोगों ने। अगर हम लोग वहाँ बाहर रखवाते ना, तो 10 रुपये हम लोगों को देने पड़ते।
तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और हमारा जो है ना प्लान था यार कि हम लोग कुछ बाहर से ही खा पी के घर आ जाएंगे, लेकिन यार लेट इतना ज्यादा हो गया। तो घर आके यार हम लोग घर पे यार ले आए थे खाना वगैरह, मेरी आंटी ने जल्दी जल्दी पका के दे दी यार, भूख बड़ी जबरदस्त किस्म की लग रही थी। तो खाना लग चुका है, खाने में आप लोगों को हम दिखाते हैं हमारे पास क्या है। खाने में हमारे पास है चिकन कढ़ाई है और ये रोटी है। तो फटाफट से खा लेते हैं खाना यार। तो बस खाना वगैरह खा लिया और आज हम लोग गए थे यार फैसल मस्जिद गए थे और हम लोगों यार बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय की यार। तुम्हारे भाई ने इतनी मस्तियाँ की, लेकिन एक बात जो है ना भाई, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इतनी सारी ठंड थी ना यार, तुम्हारे भाई के तो पैर जम गए थे क्योंकि नंगे पांव था ना यार। और तुम्हारे भाई ने घर आते सारे कपड़े भी चेंज कर लिए थे और इसी ब्लॉग को मैं प्रे करने लगा हूँ। एंड आई होप कि आप लोग सब आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो यार ठोक ही दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।